बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। मैं हूं शिवानी। मैं हूं कुणाल। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है बाइना उर्दू फैन चैनल से और वीडियो का टॉपिक है बीवी की कमाई बाय नुमान अली खान, वुमेन्स वेल्थ इन इस्लाम। तो जैसे कि आपको पता है आजकल मतलब मर्द भी कमा रहे हैं, बीवी हाँ। भी कमा रही है, इवन माएं तक कमा रही है, ऐसी बात नहीं है। घर पे हाँ, घर पे आप बैठे बैठे आप ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हो जिसमें आपको अर्निंग हो सकती है। तो आजकल तो जमाना बंदा कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे एफर्ट करके मेहनत करके कमा सकता है। वैसे भी महंगाई इतनी है, अगर जितना कमाओ उतना ही कम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बट सही तरीके से कमाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस पैसों के लिए पागल ही हो जाओ, बस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी पैशन होना चाहिए, आपका इतना जुनून होना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का, तो ये अच्छी बात है। तो नुमान अली खान साहब देखते हैं क्या बोलते हैं बीवी की कमाई के ऊपर, वुमेन वेल्थ के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो और फिर उसके बाद बातिल दूसरा कौन सा है? बातिल दूसरा ये है कि कभी शौहर होते हैं, बीवी भी कमाती है, शौहर भी कमाता है, और वो करते क्या, वो एक अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, क्योंकि मियाँ बीवी है एक ही अकाउंट में, कोई बात नहीं, तो एक फैमिली है। अच्छा, एक अकाउंट में तो पैसे आपने डाल दिए, लेकिन अब शौहर ने क्या फैसला किया कि जी मैंने घर खरीदना है, घर अपने नाम और अपनी अम्मी के नाम या अपने अबू के नाम, दो दादा और अबू के नाम घर हो गया। बीवी जिसकी कमाई थी वो भी उस पेमेंट्स में जा रही है, लेकिन उसका नाम नहीं है प्रॉपर्टी पे, या उसका नाम हटा दिया प्रॉपर्टी से। कमाई तो उसकी भी थी, कमाई तो उसकी भी थी। फिर उसके बाद हमारी शरीर में सख्त ममानियत है कि आप बीवी की कमाई को छू नहीं सकते। खर्चा आपने करना है, उससे नहीं लेना, यहां तक कि इन तुबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअन मरीअ। मेहर के मामले में बात की जा रही है कुरान में। पहले तो मेहर फौरन दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहां जब कहते हैं ना कि बाद में देंगे, इसका मतलब हम सब समझते हैं कभी नहीं देंगे, उसका तर्जुमा सबको पता है। और मेहर ना देने से शादी बातिल हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, शादी की कोई हैसियत नहीं रहती। मेहर का मसला कोई छोटा मसला नहीं है। वआतु निसाअ सदुकातिहिन्ना निहलतन, कुरान ने साफ कह दिया औरतों को जो शादी के तोहफे होते हैं वो फ़ौरन दे दिया करो, जल्दी से दे दिया करो और खुशी खुशी दे दिया करो, निहलतन। अब उसमें से जैसे फ़र्ज़ करें, फर्जिया तौर पर मैं कह रहा हूँ $10,000 है, ठीक है, कम है ज़्यादा है वो आपका मसला है, ठीक है, $10,000 है। अब आपने दे दी और देते देते कहा ऐसे ही है, ले तो तुम नहीं हो लेकिन चलो कम से कम तुम तो खुश हो, कोई तो खुश हो। मेरे वैसे तो मैं पूरे घर पे ही खर्च करता हूँ लेकिन तुम रख लो, यही तंजिया साथ में कुछ कलाम। नहलतन से उसकी नफी होती है, आप ये देते हुए कोई बात भी नहीं कर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि यू नो अब मैं तुम्हें दे तो दिया है लेकिन कुछ घर का भी सोच लो, कुछ फैमिली का भी सोच लो, मैं भी तो आखिर इतनी मेहनत ही कर रहा हूँ। आपने आप मर्द को ऐसी बात करने की इजाज़त नहीं है, सरासर इजाज़त नहीं। ये भी क्या होगा अगर वो, अच्छा वो शरीफ नफ्स औरत है, वो ऐसी बात सुनेगी वो क्या कहेगी, नहीं जी फिर आप ले लें, मैं क्या कहूँ, ठीक है तो मैंने मुझे थोड़ी चाहिए, मुझे तो बस आप चाहिए, वो ले लो। तो क़यामत के दिन वो खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी नहीं मुझे वो चाहिए थे, और वो शोहर ऐसे देख रहा होगा तुमने तो कहा था मुझे तो बस आप चाहिए, वो तो आपने प्रेशर डाला था इसलिए कहा था, उस वक्त आपका खौफ था बस खुदा का खौफ है, आपका खौफ नहीं रहा तो ज़ुबान खुल गई है। अनतकन अल्लज़ी अनतका कुल्ला शाही, जिसने हर चीज़ की ज़बान खोल दी उस दिन उसने ये ज़बान भी खोल दी। तो ये यानी एक कभी कभी होता है ना कि मुझे पैसे दे दो, ये डायरेक्ट है, लेकिन कभी कई दफ़ा प्रेशर जो आप दूसरों पर डालते हैं वो डायरेक्ट नहीं होता, वो सिर्फ आपकी शक्ल से होता है। अच्छा नहीं रखता सही बात है, नहीं आप रख लें, कहा भी नहीं, शक्ल से पता चल गया, या आहे भर भर के, या खाना नहीं खाया जा रहा, नहीं आज मूड नहीं है खाने का, आज बस थोड़े बस रहने दो आज, यू नो आवाज बदल ली। ये सारी ड्रामेबाजियाँ क्यों, ताकुलु बैनकुम अमवालकुम बिलबातिल वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल। और फिर ये जो मेहर का मसला है, कहा अल्लाह ताला ने कहा फइन तुबन लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा, अगर वो अपनी मर्जी से बगैर आपकी तरफ से किसी प्रेशर के आपको कुछ कह दें, आपने $10,000 दिए उसमें से $5 निकाल के उसने आपसे कहा जाओ आइसक्रीम ले लो अपने लिए, तो आप खुशी खुशी जाके आइसक्रीम खाओ, फिर आपको ज़मीर लाने की जरूरत नहीं बीच में कि मैं मर्द हूँ मैं तुम्हारे पैसे कभी नहीं। अगर वो खुद से दे रही है तो ठीक है, वो अपनी मर्जी से दे रही है, लेकिन आपने किसी तरह से उस पर प्रेशर नहीं डालना।
वो बातिल होगा, वो फाइनेंशियल अब्यूज होगी, क्योंकि वो उसका हक था। उसकी तरफ तो आप गलत तरीके से नजर भी नहीं रख सकते, नजर भी रख सकते। फिर कहें कि नहीं नहीं तुम्हारे तो भाई की इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे तो चचा की इतनी वो जमीनें हैं और उसका तो ये है और वो है, तो तुम्हें क्या जरूरत है। वो आप उनके चचा को उनके चचा ही रहने दें, आप उनको बीच में उनको लाने की जरूरत नहीं है। जी बात, हाँ जी। तो बेटी की कमाई या नॉर्मली खान साहब बीवी की कमाई वाक्य में, तो ऐसा होता है वाक्य में, मैं हमने देखा है वाक्य में, लाइफ में देखा है कि वो किसी ने पैसे दे दिए ना, पर वो तो वो टोंट साथ में मारना बहुत ज़रूरी है और वो मारते भी हैं, ज़रूरी पता नहीं है नहीं उनके लिए, बट काफ़ी लोग टोंट मारते हैं कि ये लो पैसे ले लो, मतलब कुछ ना कुछ कि आज खाना नहीं खाना यार, आज नहीं खाना आज, क्योंकि मैंने पैसे दे दिए ना, तो भले ही बंदे फेस से एक्सप्रेशन से हरकतों से वो फील कराता है कि यार मुझे तो बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, तो मैंने पैसे दे दिए, सदमा बचा है, मेरे पास कुछ है नहीं, आप घर पे लगाने के लिए ये है वो है। अगर ऑलरेडी घर पे ना लगाने के लिए पैसे हैं तो वो जो मेहर की रकम है उसको कम कर दो, जरूरी नहीं है कि $10,000 देना है, किसी की औकात अगर $500 किया तो $500 ही फिक्स, मतलब जितना है उतने में कर सकते हैं, जितना है उतना दो, और उसके बाद वो पैसा वापसी आने की आस ना रखो, बिल्कुल भी आस नहीं होनी चाहिए कि भाई हमने तुम्हें दिया है, तुम हमारी बीवी हो तो वो पैसा तो इंटरनेट हमारे पास ही आएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो बीवी के ऊपर है कि वो कहाँ पैसा लगाती है, अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को देती है नहीं देती या क्या करती है, तो वो बीवी के ऊपर है, उसमें हम में से कोई भी बीवी के ऊपर कोई भी जोर या कुछ प्रेशर नहीं कर सकते। या अगर अगर मियाँ बीवी के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर शौहर ने बोल दिया है कि थोड़ा घर के बारे में सोच लो, और आगे से बीवी शरीफ है जैसा इसमें बताया था, तो उसने उसने दे दिए और बाद में कयामत के टाइम पे नहीं वो पैसे मेरे को चाहिए थे लेके आ जाओ, तो इस केस में होना चाहिए कि उसी टाइम पे शौहर को सोच लेना चाहिए कि अगर वो दे रही है कि नहीं तो कुछ कुछ तो रख लो, सारे ही मत दो, तो ऐसा समथिंग कुछ हो जाए। लेकिन वो चीज़ भी बहुत गलत है कि उस टाइम आपने दे दिए लेकिन कयामत के टाइम पर आप चेंज हो गए हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत बात है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। शराफत क्या, ये तो बिल्कुल भी शराफत नहीं हुई। या तो उसी टाइम मना कर दो कि नहीं भाई मेरे पैसे हैं, बट यार फिर दिक्कत होती है, फिर हस्बैंड वो परेशान करता है, अच्छा हमसे हैं हमसे हमारे पैसों से ये वो, तो फिर हस्बैंड ऐसे ऐसे वाली वो हाँ, करता है होता है कोई कोई, या हस्बैंड की फैमिली करती है ये करता है, तो वो देख के थोड़ा डेलिकेट वाला मामला होता है। हालांकि ये सब ये वुमेन्स वेल्थ ये पूरा इस्लाम का था, अकॉर्डिंग टू इस्लाम था ये सब, जितना भी वीडियो में बताया गया, तो मतलब यही कि ऐसा होता है, टॉपिक है मतलब इस्लाम के अंदर है ना ऐसा कि आप अब स्ट्रिक्टली आप क्या कहते हैं मेहर देना ही पड़ेगा बिल्कुल, और अगर वाइफ अगर कमा भी रही है तो उसकी कमाई पर आपका हक नहीं है, तो ये चीज़ बिल्कुल। और मेहर का काफ़ी लोग कहते हैं कि बाद में दे देंगे, देखा जाएगा, और फिर वो बाद का बात ही हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रकम जो भी, ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को दिखाने के लिए इतनी ज़्यादा बड़ी रकम रख दो जो आप दे ही ना पाओ, आप कम रकम रख लो, ऐसा नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए कभी नहीं जीना चाहिए, अपने लिए जियो। और इवन इन्होंने बताया कि अगर वो मेहर अगर आपने नहीं दिया है ना तो वो शादी बातिल होती है, मतलब ज़्यादा मान्य नहीं होती एक तरह से वो शादी, इस तरह से कुछ है। तो जो भी रकम आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिसाइड करोगे वो आपको पहले ही दे देनी चाहिए, मतलब बाद पे नहीं डाल देना चाहिए, कि बाद में बाद का काम फिर शैतान का ही होता है, वो बाद का बाद ही हो जाता है, फिर वो कभी नहीं आ पाता फिर। बिल्कुल, तो चलते हैं गाइस, ये वीडियो थी नोमान अली खान साहब की बायना फैन चैनल से, उर्दू चैनल से। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।